हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अचर। बात करने वाले हैं बेस्ट सेल्फ स्टडी टाइम टेबल की। ऐसा टाइम टेबल जिसमें आपकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा हो सके, मैक्स टू मैक्स 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी हो और उसके साथ में आपका स्कूल भी हो, तो क्या वो टाइम टेबल होना चाहिए, बात करते हैं उसके बारे में। और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है इस टाइम टेबल में, जिसके थ्रू आपका 100% प्रोडक्टिविटी आ पाए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में आपको जितना हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करनी है। अगर उठ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठ पाते हो तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, जाके चेक करो और देखो टेक्निक्स के कैसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। और सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा तो आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो ट्राई करेंगे कि आप जल्दी उठ जाएंगे, तो 5 AM पे आप उठ जाएंगे, जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। उठ गए उसके बाद क्या करना है आपको, देन आप चाहो तो स्टडी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप वर्कआउट कर सकते हो, ऑप्शन आपके लिए है। ठीक है, जो आप सुबह जल्दी करोगे उसका आपका दिन वैसे ही फिर बन जाएगा। अगर आप सुबह उठ के अच्छे से स्टडी करोगे या वर्कआउट करोगे, दोनों ही बेस्ट हैबिट हैं, तो आपका दिन अच्छा जाएगा। तो ध्यान दें कि आपको सुबह उठकर इन दोनों में से एक चीज़ करनी है पहले। ठीक, उसके बाद आप चाहो तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, सुबह उठकर थोड़ा बहुत खा लेंगे पहले, उसके बाद स्टडी करेंगे या वर्कआउट करेंगे, फिर उसके बाद आप जो हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं वो करेंगे। ठीक है, लेकिन सुबह उठकर तुरंत पढ़ना इंस्टेंट स्टडी करना बेस्ट थिंग है आपके लिए, आपकी दिन की शुरुआत के लिए। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका दिन भर आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो फर्स्ट थिंग वेकअप अर्ली एंड देन स्टडी और वर्कआउट। ठीक, उसके बाद आपके पास ये लगभग 2 घंटे का टाइम है, इसमें आपको वर्कआउट भी करना है, चाहो तो स्टडी भी करनी है, चाहो तो एक चीज़ स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वर्कआउट करने का आपको मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तो 2 घंटे में से आपको लगभग 1.5 घंटे स्टडी करनी है। ठीक, तो यहाँ से हमने 1.5 घंटे स्टडी का हमने दे दिया, उसके बाद 7 बज जाएगा और आपने होप कि इस 2 घंटे के अंदर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद 7 बजे आपको स्कूल के लिए रेडी होना है, मतलब कि आप अपनी बात वगैरह करेंगे या ड्रेस पहनेंगे या फिर जो भी आपका होमवर्क रह चुका है उसको करेंगे और उसके साथ आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं जो आपने नहीं करी अभी तक। ठीक, तो इस 1 घंटे के अंदर आपको स्कूल के लिए प्रिपेयर होना है। अगर होमवर्क नहीं है, प्रिपेयर हो चुके हो, तो थोड़ा बहुत इस बीच में आप रिविज़न कर लेंगे जो भी आप चाहते, जो भी आप करना चाहते हो, फिर जो भी आपका स्कूल में होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कुछ टीचर्स ने कुछ कहा है तो आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि हो सकता है आप स्कूल आपका ना हो, तो अगर स्कूल आपका नहीं है तो इस बीच में यानी कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम आपके लिए, आप आराम से इस टाइम को न्यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो इस टाइम आप सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक हो गया, तो उसके बाद तो मोस्टली स्कूल 8 to 2 का ही होता है, तो इस बीच मान के चलते हैं कि आपका स्कूल टाइम है तो आप 8 to 2 स्कूल में रहेंगे। ठीक है, स्कूल जाएंगे, अच्छे से फोकस के साथ टीचर्स की बात सुनेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जितना हो सकता है उतना आप स्कूल के फ्री पीरियड्स में सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद 2 बजे आप घर आओगे, फिर 2:30 बजे जितने बजे आप घर आओगे उस टाइम आपके पास 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम है आपका कि उस टाइम आप लंच करोगे। ठीक, उस टाइम आप लंच करोगे। अब लंच के बाद हो सकता है आप थोड़ा थक गए हो, आपका नींद आ रही हो आपको, आप चाहो तो ऑप्शनल है सो भी सकते हो। अगर आप थक चुके हो तो अगर आपकी एनर्जी अभी भी बरकरार है तो आप सोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको 2 से लेकर 3 बजे तक का आपका लंच टाइम है। ठीक, उसके बाद 3 बजे, जब 3 बज जाएगा तो आपका ये सेकेंड स्टडी सेशन है। फर्स्ट आपका था मॉर्निंग में, अब सेकेंड है आपका लंच के बाद। तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आप स्टडी करेंगे, आप कुछ भी स्टडी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास होमवर्क है तो आप चाहो तो इस टाइम होमवर्क भी कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है। तो आपको 3 से लेकर 4 बजे तक के बीच आपको स्टडी करनी है। उसके बाद 4 बजे आप चाहो तो आपका स्नैक्स टाइम भी हो सकता है, आप स्नैक्स ले सकते हो, कुछ खा पी सकते हो अगर आपको भूख लगती है तो। अगर भूख नहीं लगती तो आपका एक कोचिंग टाइम है, तो आपको 4 बजे अपनी ट्यूशन के लिए निकल जाना है। 4 to 6 आपकी ट्यूशन होगी, अगर नहीं है आप उस टाइम को न्यूटिलाइज करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपका टाइम लर्निंग का है, आपको इस टाइम कुछ भी याद नहीं करना है, रिवीजन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको न्यू कॉन्सेप्ट उनको सीखना है।
भले ही वो YouTube हो, भले ही वो ऑनलाइन क्लास हो, भले ही वो आप ट्यूशन जा रहे हो, तो ये 4 to 6 का टाइम क्या है आपका, सीखने का टाइम है। तो इसको हम सेल्फ स्टडी में ऐड नहीं करेंगे अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये आपका लर्निंग टाइम है, नॉट सेल्फ स्टडी, ठीक। उसके बाद 6 बजे से आपका रेस्ट टाइम स्टार्ट होता है। दिन भर में आपने जो भी करा है, आप चाहो तो शाम का टाइम हो चुका है, आप 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप आराम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आराम से मेरा मतलब है कि आप इस टाइम अपनी हॉबीज देख सकते हो, जो भी आपका मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ा घूमना पसंद, आप बाहर घूम सकते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स पसंद, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, या फिर आप गेमिंग पसंद, आपको गेमिंग कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका रेस्ट टाइम है। उसके बाद सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का टाइम जो आता है, वो आता है नाइट में। तो अब स्टडी, यहाँ पर आपका स्टडी का मेन टाइम स्टार्ट होता है, जो कि है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का, 9 बजे तक का, जो कि 2 घंटे का, 2 आवर्स का आपका स्टडी टाइम है। इस टाइम को आपको जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, थोड़ा फ़ोन को दूर रखेंगे। चाहें तो अगर फ़ोन आपके पास में ही है तो आप चाहें तो उसको फ्लाइट मोड पर लगा दें, या नेट उसका ऑफ ही रखें, क्योंकि इस टाइम मोस्टली डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है, क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर लोग एक्टिव रहते हैं। तो 7 to 9 टाइम आपका स्टडी टाइम है। आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है स्कूल में, कोचिंग में, तो आप उसको रिवाइज करेंगे, या आप हम कह सकते हैं कि ये आपका रिविजन टाइम है, ठीक है। पूरे दिन का आपका रिविजन टाइम है, और चाहो तो इस टाइम पर आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी कर सकते हो, कि नेक्स्ट डे का आपको क्या टाइम टेबल होना चाहिए, और उस टाइम टेबल में आपको क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, यानी कि आपको क्या क्या चैप्टर्स करने हैं, क्या क्या सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, आप उसको देख सकते हो, ठीक। उसके बाद 9 बजे से, या फिर उससे पहले, ठीक है, ये एक रेफरेंस टाइम टेबल है। हो सकता है कि आपका स्कूल पहले हो सकता है आप डिनर बाद में करते हो, वो वेरी कर सकता है, बट आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको मेन चीज़ स्टडी पे ध्यान देनी है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर स्टडी सेशन रखा है, लाइक 3 to 4 एंड 7 to 9 एंड 9 to 11, आप इन पे फोकस कर सकते हो, बाकी चीज़ें स्किप कर सकते हो। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका स्कूल टाइम मैच करना चाहिए, लंच मैच करना चाहिए, मेन चीज़ है कि हमारी स्टडी बरकरार रहे। बाकी चीज़ें यहाँ पर रेस्ट हो गया, हॉबी हो गई, इससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक अदर आपकी एक्टिविटीज़ है, उससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ स्टडी को भी फॉलो कर सकते हो बाकी चीज़ों के अलावा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप 9 बजे से, हो सकता है आपका डिनर होता हो, किसी किसी घर में जल्दी भी होता है, किसी किसी घर में देर में भी होता है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप पहले भी कर सकते हो, अगर वो डिनर आपका 7 to 9 के बीच में हो तो आप तब कर लेंगे, लेकिन स्टडी टाइम को तब भी आपको 2 आवर्स रखना ही है, आप उसको बाद में कर लेंगे स्टडी को, उस बीच आप डिनर कर लेंगे अगर उसका टाइम हो चुका है तब, ठीक। बट फॉर एग्जाम्पल, आप 9 बजे से लेकर 9:30 तक आप डिनर करेंगे, ठीक। उसके बाद आता है आपका लास्ट स्टडी सेशन, जो कि है 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। अब ये टाइम वेरी कर सकता है, ठीक है, आप चाहो तो इससे पहले भी ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि आपको सुबह जल्दी भी उठना है, तो आप चाहो तो 10 बजे आप ख़त्म कर सकते हो, और अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप चाहो तो 12 बजे तक भी कर सकते हो, ये आपको पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप 10 बजे ख़त्म कर दोगे तो आप 5 बजे या 6 बजे उठ पाओगे, लगभग आपकी 7 to 8 hours की नींद तो आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 12 बजे ख़त्म करोगे तो आपको ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नींद पूरी रहनी चाहिए, ठीक है। तो हो सके तो जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, इस स्टडी सेशन को आप जल्दी ख़त्म कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आपको इस टाइम पे करना क्या है, आप रिविज़न पहले कर चुके हो, तो इस टाइम पर आपको जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको नींद आती हो, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो कोई रीडिंग सब्जेक्ट हो, तो आप वो पढ़ेंगे, ताकि आप वो पढ़ते पढ़ते आप सो जाओ और आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आपको नींद भी आ जाए। तो आप इस टाइम पे वो सब्जेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, या फिर कोई हिस्ट्री वगैरह जो आप पढ़ सकते हो इस टाइम पे, ठीक हो गया। तो ये था एक परफेक्ट टाइम टेबल आपके लिए, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, और आप इसके थ्रू अप्रोक्सीमेट आप 5 to 6 hours स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पर 5 to 7 हमने लगभग यहाँ पर 2 घंटे स्टडी हमने यहाँ कर ली, ठीक। उसके बाद हमने स्टडी कहाँ करी, हमने 6 to 4 स्टडी यहाँ पर सेल्फ स्टडी करी, ठीक है। मैं ओनली सेल्फ स्टडी काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 आवर। उसके बाद हम ट्यूशन गए, ट्यूशन को मैं सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हमने 7 to 9 2 आवर्स यहाँ स्टडी करी, एंड लास्ट हमने 9:30 to 11 लगभग 1 आवर हमने यहाँ स्टडी करी, लगभग 1 आवर। हो सकता है आप जल्दी सो जाओ, तो टोटल आपके कितने हो गए, 2 to 4, 1, 5 and 6 आपके कितने हो गए, 6 आवर्स आपके स्टडी के हो गए।
तो इस तरीके से आप 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप सेल्फ स्टडी करोगे वही मैटर करती है, वही आपके मार्क्स डिफाइन करती है। आप कितना भी कोचिंग पढ़ो, कितना भी स्कूल जाओ, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है बट रिवाइज नहीं करा है तो आप वहाँ मार्क खा जाओगे और बाकी स्टूडेंट से कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। कभी कभी हो सकता है कि प्रो टिप आपके लिए है कि कभी कभी स्कूल को भी अवॉइड करें हफ्ते में 1 या 2 बार, ताकि आप उस टाइम पर सेल्फ स्टडी घर में बैठ के कर पाएं। लेकिन अब ये दिन आप तब चूज करोगे जिस दिन आपके स्कूल में पढ़ाई कम होती है। अब वो दिन कोई ऐसा भी हो सकता है, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती हो तो आप छुट्टी नहीं करेंगे, बट अगर स्कूल में ऐसा होता है कि कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती है, टीचर्स नहीं होते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, तो आप चाहें तो छुट्टी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना हो सकेगा उतना आप खुद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वही मैटर करता है, वही आपके मार्क्स डिफाइन करेगा और वही आपको आगे बेनिफिट करने वाला है। ठीक, तो ये था एक परफेक्ट टाइम टेबल, और मुझे उम्मीद है कि आपको टाइम टेबल जरूर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको उसके बारे में और भी जानना है या इस टाइप के और भी टाइम टेबल्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।